Good morning, dear student. So in today live class, I will describe chapter 2, Making Friends, in literature book by Louisa May Alcott. Okay, so in this chapter, there are four sisters, Beth, Jo, Meg, Amy. Okay, Beth is beautiful one and pinky face she having, and Jo is a tomboyish type girl. And Meg is a pretty one also, and Amy is artistic and she having curly hair. And in a short form, we call them March sister, cause their father's surname is March. Okay, so according to this chapter, there are five characters, Jo and Meg, जिनको हम लोग बोलते थे क्या, मार्च सिस्टर्स. ओके, लॉरी जो कि उनके नेबर में रहता है, एक लड़की का नाम है. और लॉरी जो होता है किसके साथ रहता है, अपने ग्रैंडफादर के साथ में रहता है, जिनका नाम होता है मिस्टर लॉरेंस. और उनके घर में कौन होती है, मेड होती है. एक किसके घर में, लॉरी के घर में एक मेड होती है जो कि उनके हाउस होल्ड वर्क में उनका काम करती है, हाउस होल्ड में हेल्प करती है. ओके, इन अ शॉर्ट फॉर्म वी कॉल एट हेल्पर. So in this chapter there are four scene we discuss here. First scene is drawing room में एक young girl होती है जो बैठ के पढ़ रही होती है, and उसके feet जो होते हैं वो किसकी तरफ होते हैं, firework की तरफ होते हैं. तो young girl जो होती है, Meg होती है, and suddenly एक girl और आती है वहाँ से. तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जो, जिसने क्या पहने होते हैं, जिसने पहने होते हैं आपके wearing rubber boots and hooded cap. ठीक है, उसने क्या पहना होता है, wearing rubber boots and cap. मैं complete नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, इतना short form. and a hooded cap जो कि बड़ी cap होती है, और हाथ में उनके क्या होता है, एक broom होता है और shawl होता है. फॉर क्लीन द आइस, ठीक है, आइस को क्लीन करने के लिए वो अपने हाथ में ये चीज़ें रखते हैं, ब्रूम रखते हैं और शॉवल रखते हैं, क्योंकि उनके गार्डन में बहुत ज़्यादा आइस हो जाती है, और आइस को क्लीन करने के लिए ये चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है जो को. और जो जो होते हैं बहुत टॉकेटिव होती है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना बच्चों को कि चंचल स्वभाव का है, बहुत नॉटी टाइप का है, तो ऐसी ही सेम जो होती है, बहुत टॉकेटिव होती है, और वो ऑलवेज रेडी रहते हैं चारों बहनें कि हम लोग किसी की भी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहे. तो ऐसे ही मैग जो होती है वो बाहर जा रही होती है, तभी मैग उसको बोलती है, कमेंटिंग वे में बोलती है उसको कि भाई क्या बात है, क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो. तो बोलती है मैं ऐसे कुछ एक्सरसाइज करने के लिए जाती हूँ. तो मैग उसको बोलती है कि इतने ठंडी ठंडी डे में कैसे जा रहे हो आप. तो जो उसको बोलती है, आप ऐसा एक काम करो, अपना हिस्टोरिकल नॉवल जो वो पढ़ रही होती है, इवन हो, आप अपना वो पढ़ो और अपने पैरों की सिकाई करो, मैं तो जा रही हूँ. तो मैग बोलती है कि मेरे को पूरा यकीन है कि ये वापस आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, और कहती हुई आएगी, ओहो कितनी ठंडी है, मेरे हाथ पैर कान सब मेरे क्या हो गए, फ्रोजन हो गए, सब जम गए हैं, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है. तो तभी जो आती है और बहुत अजीब तरीके से वो बोलती है कि अरे डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ, वो बोलती है अब तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ. तो वो सडनली क्या बोलती है, तुमने लॉरेंस के बारे में डिस्कस करती है कि वो तो कितना पुअर गाय है ना, वो तो उसको तो बाहर ही नहीं निकलने देते उसके ग्रैंडफादर जो होते हैं, तो क्यों ना मुझे जो है उसके पास जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, और उसको कोई ऐसे लोग भी मिलने चाहिए जो उसको चेहरे पे उसका स्माइल करवा सके. तो आप क्या कहते हो, वो मैक को बोलती है, आप क्या कहते हो, मुझे जाना चाहिए और वो ओल्ड जेंटलमैन से मिलना चाहिए. नाउ सीन सेकंड, अब सीन सेकंड में क्या होता है, सीन सेकंड में कौन आता है, ये तो फर्स्ट सीन होता है आपका, ठीक है, और सीन सेकंड में कौन आता है, सीन सेकंड में होता है लॉरी की एंट्री, ठीक है, LAURIE लॉरी एंड जो का कन्वर्सेशन होता है इसमें. तो सडनली कर्टिन जो है आपकी बार कहाँ पे राइज हो रहे हैं, लॉरी जो है अपने रूम से कर्टिन अपनी विंडो देख रहा, अपने रूम से अपनी विंडो में झांक रहा होता है. तो ये चीज़ जो ने देख ली होती है, तो जो ने क्या किया, अपने हैंड में स्नो लिया और स्नो का बॉल बना के लॉरी की विंडो पे मार दिया, थ्रो कर दिया. तभी जो है सडनली पीछे मुड़ के देखता है, तो जो उसको बोलती है, तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो क्या.
तो लॉरी बोलता है बड़ा क्रॉकिंग वॉइस में, जब कफ किसी को हो जाता है तो उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें, वो बोलता है हाँ मेरे को कोल्ड हुआ है और मैं एक हफ्ते से घर में ही बंद हूँ। सो जो बोलती है फिर तुम अम्यूज़ कैसे करते हो अपने आप को, मतलब कि एंटरटेनमेंट कैसे करते हो अपने आप को, क्या तुम पढ़ते हो? तो जो लॉरी बोलता है हाँ पढ़ता हूँ बट इतना भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ता बिकॉज आई डोंट लाइक टू रीड बुक। तो बोलता है कि वो जो बोलती है कि तुम्हारे लिए कोई पढ़ता है? तो बोलता है हाँ मेरे लिए मेरे ग्रैंडपा पढ़ देते हैं कभी कभार बट आई डोंट लाइक दिस थिंग। फिर उसके बाद में लॉरी जो है वो उसको उससे बात करने लगती है और लॉरी उसको बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि तुमसे कोई मिलने आए? तो वो बोलता है कि काश ऐसा हो सकता कि मुझसे कोई मिलने आता। तो लॉरी उसको जो को इनवाइट करता है कि क्या तुम मेरे पास आ सकती हो इसे मिलने के लिए? तो जो बोलती है येस बट आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट येस आई विल कम, अगर मेरी मम्मा जो है मुझे क्या परमिशन देगी तुम्हारे पास आने के लिए। देन स्टार्ट होता है सीन थर्ड। अब सीन थर्ड में कौन आता है? सीन थर्ड में जो है लॉरी के घर जाती है। सेम ही दोनों करेक्टर जो होते हैं कौन होते हैं, सीन थर्ड में भी होते हैं। जो लॉरी के घर जाती है और लॉरी जो है वेट कर रहा होता है उसका, बहुत डेडली तरीके से उसका वेट कर रहा होता है। तभी सडनली उसको एक वॉइस आती है, बेल बजती है उसके घर की, और उसकी मेड जब जाती है डोर ओपन करने के लिए तो देखती है कि कोई यंग लेडी आपसे मिलने आई है, ये मैसेज लॉरी के पास लेके वो जाती है। तो बोलता है हाँ वो जो होंगी मिस जो होंगी आप उनको ले आइए। तो वो अपने हाथ में बहुत सारा बैग और बैगेज होता है, मतलब कि सारा सामान होता है। क्यों होता है सारा सामान, किस लिए होता है? क्योंकि उसकी मम्मा ने उसके लिए प्यार भेजा होता है। एंड वो बोलती है कि मेरी मम्मा ये कहती है कि वो बहुत अपने आप को बहुत अच्छा फील करेगी कि अगर आप उनके लिए कुछ उनको कुछ और काम भी बोलो। और मैग ने उनके लिए क्या भेजा, मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लैंक मैनेज। तो वो एक ब्लैंक मैनेज जो है वो एक टाइप की आइसक्रीम होती है, एक डेजर्ट होता है। एंड बैट जो होती बैट थॉट हाँ कैट वुड बी कम्फर्टिंग, और बैट ने जो है उसको अपने साथ उसके साथ में अपनी तीन बिल्लियों को भी भेज दिया था। तो वो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड उसको, तो अब जो है वो लॉरी जो है जो है लॉरी को इंस्ट्रक्शन देती है कि अपनी मेड को बोलना कि इसको जो है चाय के पास ना रखें क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा एंड ये सीरियसली आपको आपके थ्रॉट को जो है वो कोई इन्फेक्ट भी नहीं करेगी, हर्ट भी नहीं करेगी, आप जो है ईजली इसको खा सकोगे। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ जोरों से पढ़ूँ? तो लॉरी बोलता है नहीं नहीं मेरे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इससे अच्छा तुम मेरे साथ में बात करो। तो जो को तो बात करना बहुत पसंद था ऑलरेडी, हमेशा बैठ उसको कहती रहती थी यू आर वेरी टॉकेटिव और आप दिन भर बोल सकती हो और आप कब रुकती हो पता ही नहीं चलता। तो लॉरी जो है वो उसको बोलता है कि बैठ वही है ना जो रोजी वन होता है, बिल्कुल मतलब कि पिंकिश टाइप में होती है, और जो कि घर से जब निकलती है कभी कभार निकलती है, और जब निकलती है तो उसके हाथ में एक छोटी सी बास्केट होती है। वो बोलती है हाँ वो मेरी बहन है। फिर वो सबके बारे में बताता है कि मैग जो होती है वो प्रिटी वन होती है एंड एमी जो होती है उसके कर्ली हेयर होते हैं। तो वो जो को बोल जो वो लॉरी जो है बड़ी सरप्राइज होती है और लॉरी को बोलती है तुम्हें कैसे पता? तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा कर्टेन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग विंडो कवर नहीं कर पाते तो आप भूल जाते होगे, तो मैं एक दिन ऐसे मैंने देख लिया आप लोगों को, और मोस्टली मुझे आप लोगों की साउंड आती रहती है आप एक दूसरे को जब बुलाते हो, तो मैंने ये चीज़ें सुनी थी। और आपकी मदर को भी मैं देखता हूँ जब आप जो है चारों बहनें जो है अपनी मदर के राउंड में बैठते हो सराउंडिंग में बैठते हो, तो आपकी मदर का फेस जो है फ्लावर्स की तरफ रहता है एंड शी लुक वेरी वेरी प्रिटी। और वो यही बात करते करते उनको ये मैसेज देता है कि मेरी मम्मा नहीं है, ठीक है? तो जो है बहुत उदासी होती है और फिर उसको बोलती है अगर आपको इतना ज़्यादा पसंद है तो हम लोग कर्टेन नहीं करा करेंगे अब, और आपका जब मन करे आप हमारे पास भी आ सकते हो और हमारे मेरी मम्मा के पास में रह के उनसे बात भी कर सकते हो। तो बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा इस चीज़ की परमिशन देंगे? तो लॉरी बोलता है हाँ वो बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु किस्म के है, और वो ये कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो ही मैं करूँ।
वो कभी भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। बट अगर आपकी मम्मा बात करेगी तो वो पक्का से मुझे परमिशन दे देंगे। हाँ, वो थोड़ा डरते हैं कि स्ट्रेंजर्स से मुझे अवेयर रहना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से दूर रहो, बात मत करो, चॉकलेट मत खाओ। तो सेम उसके ग्रैंडपा भी यही कहते थे कि स्ट्रेंजर्स से दूर रहना चाहिए। तो जो बोलती है, पर हम तो स्ट्रेंजर नहीं है ना, हम तो आपके नेबर्स हैं, तो आप आ सकते हो। फिर लॉरियस को बोलते हैं चलो लाइब्रेरी चलते हैं, मैं तुम्हें लाइब्रेरी दिखाता हूँ, और आप डरने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज मेरे दादू यहाँ नहीं है। तो जो है वो बोलती है मैं तो किसी से नहीं डरती। नाउ सीन फोर में अब कर्टन राइज होते हैं कहाँ पे, लाइब्रेरी सीन में। लाइब्रेरी सीन किसकी लाइब्रेरी में, लॉरेंस के हाउस में जो लाइब्रेरी थी, जो कि बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, जिसमें बुक्स जो है लाइन की पूरी, मतलब कि एक अच्छी मैनेज में एक लाइन में रखी हुई थी, एंड उसमें पिक्चर्स थी, स्टैचूज थे, और लिटिल कैबिनेट थे जिसमें फुल ऑफ कॉइन्स थे एंड क्यूरियोसिटी, और वॉल पे पोर्ट्रेट लगा हुआ था किसका, लॉरी के दादू का पोस्टर लगा हुआ था। तो तभी मेड आती है, मेड जो है लॉरी को बोलती है आपको डॉक्टर देखने के लिए आए हैं। तो लॉरी चला जाता है, एंड जो वहीं पे रहती है पोर्ट्रेट को देखती है, पोर्ट्रेट के पास ही खड़ी रहती है। तभी डोर ओपन होता है और कोई वहाँ पे आता है, और कौन होता है, जिसका वो पोर्ट्रेट होता है, मींस लॉरी के ग्रैंडपा। तो वो जो उसको नहीं देखती है, उनके ग्रैंडपा को नहीं देखती है, वो पोर्ट्रेट की तरफ उनका फेस रहता है, और वो कंटिन्यू वो बोलती रहती है कि मैं अब आपसे नहीं डरती हूँ, ना मुझे डरना चाहिए, बिकॉज आपकी आइज़ जो है बहुत काइंड आइज़ है, एंड मुझे नहीं लगता आप इतना ज़्यादा गुस्सा करते होगे, और आपकी लुक्स जो है बहुत ट्रमेंडस है, बहुत स्मार्ट लगते हो। बट हाँ, इतने स्मार्ट नहीं हो कि आप मेरे दादू के जितने स्मार्ट हो, मेरे दादू ज़्यादा स्मार्ट थे, पर आप मुझे पसंद हो। इतना ग्रैंडफादर ने ये सुना, और ग्रफ वॉइस में, क्या ग्रफ वॉइस मतलब भारी वॉइस जो होती है जैसे कि, तो उसमें थैंक यू कहा। एंड ये चीज़ें सुन के जो थी वो एकदम से डर गई, और उसने अपने माउथ पे अपने फिंगर करके एकदम से वो वहीं पे उनको अजीब तरीके से उनको देखती रही। ठीक है, थैंक यू, दैट्स योर स्टोरी।